हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स फ्रॉम वेज शेप्ड थिन फिल्म। सो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सो यहाँ पर हमें दिया गया है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस आर ऑब्जर्व इन अ थिन थिन ग्लास वेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 1 मिलीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज 5893 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द एंगल ऑफ वेज। सो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, म्यू अपने को दिया गया है 1.52 एंड फ्रिंज विड्थ इज बीटा विच इज 1 मिलीमीटर यानी 10^-3 मीटर। याद रखिएगा सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखी है। वेवलेंथ दिया गया है 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 5893 × 10^-10 मीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एंगल ऑफ वेज क्या होगा, यानी अल्फा क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल सा यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का, बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 μ अल्फा। ऑलरेडी हमने डेरिवेशन देखा है इसका। सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली देख सकते हैं अल्फा होगा लैम्बडा यानी 5893 × 10^-10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू दैट इज 1.52 इंटू ये बीटा नीचे आ जाएगा, जब अल्फा ऊपर जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या है 10^-3 मीटर। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वेवलेंथ है ये भी मीटर में है, तो मीटर मीटर कैंसल और आप कैल्सियम में पुट कीजिए, यू विल गेट 1.9385 × 10^-4 और ये आंसर होगा रेडियन में। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में होगा। तो ये अल्फा की वैल्यू है। क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं कि एंगल आपको सेकंड में चाहिए, मिनट में चाहिए, डिग्री में चाहिए, तब कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। आप लिखेंगे कि पाई करस्पॉन्ड टू 180 डिग्री है ना, तो अल्फा करस्पॉन्ड टू कितना डिग्री से एक्स। सो एक्स का आंसर होगा अल्फा इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर किस में आ जाएगा डिग्री में। अच्छा डिग्री में निकाल लिया, सेकंड में चाहिए तो कैसे करेंगे, या मिनट में चाहिए तो 1 डिग्री करस्पॉन्ड टू 60 मिनट। ठीक है, सो ये जो x डिग्री निकाला है ये करस्पॉन्ड टू कितना सेकंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट आंसर फॉर s विच इज 60 × x। अब बोलेंगे कि मिनट में सेकंड में चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 1 मिनट करस्पॉन्ड टू 60 सेकंड्स है ना, तो यहाँ पर s जो है अपने पास s मिनट्स करस्पॉन्ड टू कितना सेकंड होगा, सो उसे मैं नाम देता हूँ सपोज k। सो k का आंसर आएगा, अब s देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k इक्वल्स टू 60 × s। s क्या है 60 × x, सो 3600 × x। तो x अपने पास क्या है ये, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। इस तरह आप करस्पॉन्ड मेथड से अलग अलग एंगल निकाल सकते हैं, डिग्री में, रेडियन में, सेकंड में, जो भी एग्जाम में पूछा गया होगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं बोला गया है तो आप रेडियन में छोड़ सकते हैं आंसर। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टू ऑप्टिकली प्लेन ग्लास स्ट्रिप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर। सो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है कि अ थिन फॉइल ऑफ थिकनेस 0.0 मिलीमीटर इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन देम। यानी ये जो दो ग्लास के प्लेट हैं, यहाँ पर मैं इसे पहले अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा एक ग्लास का प्लेट है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, एंड दूसरा जो ग्लास का प्लेट है वो भी 10 सेंटीमीटर का है, पर दोनों के बीच में हमने एक इंट्रोड्यूस किया है थिन फॉइल को, यहाँ पर देखिए वन एंड पे, और थिन फॉइल का लेंथ है 0.01 मिलीमीटर और ये एंगल है सपोज अल्फा और ये बन गया वेज शेप। ठीक है, तो एग्जाम में लिखा नहीं होगा वेज शेप में का क्वेश्चन है, तो आपको खुद ऐसा एनालाइज करना होगा कि ये वेज शेप पे बेस्ड है। ठीक है, बिटवीन देम एट द वन एंड टू फॉर्म एन एयर फिल्म, यानी यहाँ पर एयर मौजूद है। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करना, अगर एयर है तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, सो इफ द लाइट यूज्ड हैज वेवलेंथ, यानी यहाँ पर जो भी लाइट मैं इंसिडेंट करूंगा उसका वेवलेंथ दिया गया है। एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाएगा, जितना डायग्राम बनाएंगे समझ जाइएगा उतना पॉजिटिव इंप्रेशन आप एग्जामिनर पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, यानी यहाँ पर बात चालू है फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज विड्थ पूछा जा रहा है। तो हम सबको पता है कि फ्रिंज विड्थ की जो फॉर्मूला होती है वो होता है लैम्बडा अपॉन 2 μ अल्फा। सो सिंस एयर फिल्म इज यूज, तो म्यू इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा लैम्बडा अपॉन 2 अल्फा, दिस इज फॉर्मूला फॉर बीटा फ्रिंज विड्थ। अब फ्रेंड्स हमें लैम्बडा भी दिया गया है ना 5900 एंगस्ट्रॉम, तो क्या निकालना है अल्फा। अल्फा के लिए सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, 10 अल्फा की फॉर्मूला लिखेंगे, अपोजिट साइड यानी 0.01 मिलीमीटर में है, याद रखिएगा और ये सेंटीमीटर में है, इसी में लोग गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ यूनिट के साथ लिखिए। तो यहाँ पर 10^-3 मीटर डिवाइडेड बाय, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10^-2 मीटर, मीटर मीटर कैंसल। अब देखिए, सो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, ये 0.01 है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10^-2। ठीक है,
सो 10^-, जब 2 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10^-, हो जाएगा 5। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 × 10^-2 होगा 10^-1, जो न्यूमरेटर में अगर आएगा तो ये हो जाएगा पूरा मिलाकर 10^-4। ओके सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 10 अल्फा का वैल्यू है 0.0001, बहुत छोटा है। इस ऐसा जब भी हो तो अल्फा अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 10 अल्फा होता है, यानी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू सिंपली ये वैल्यू होगी, यानी 10^-4। ठीक है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करेंगे, सो बीटा विल बी इक्वल टू, अब लैम्बडा क्या है, 5900 × 10^-10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 × 10^-4। सो आप इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2.95 मिलीमीटर। ठीक है, सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर फ्रिंज विड्थ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डायग्राम दिखना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो इसके सिमिलर है। सो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखिएगा। टू प्लेन रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ ग्लास आर इन कॉन्टेक्ट एट वन एज, यानी दो मेरे पास ग्लासेस हैं, दोनों के दोनों ग्लास एक ही एज पे कॉन्टेक्ट है, ऑब्वियसली तब वेज शेप ही बनेगा, एंड आर सेपरेटेड एट अदर एंड 10 सेंटीमीटर अवे बाय अ वायर टू फॉर्म वेज शेप फिल्म। ये जो लाइन है थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, ये जो आप फॉइल यूज करेंगे ना वायर की, फॉइल इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, वो इस एज से 10 सेंटीमीटर दूर पे है, ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 10 सेंटीमीटर अवे बाय अ वायर टू फॉर्म वेज शेप फिल्म, इसका मतलब होता है ये जो वायर है ये इस एज से 10 सेंटीमीटर दूर पे है। ठीक है, व्हेन द फिल्म वॉज एल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एमस्ट्रॉन्ग, यानी इस फिल्म पे मैं जो भी वेव डालूंगा उसकी वेवलेंथ दी गई है 6000 एमस्ट्रॉन्ग, 10 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, यानी कि जो फ्रिंजेस बनेंगे अपने केस में कुछ इस तरह, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे सो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस दिखेगी, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सो ऐसे 10 फ्रिंजेस बनते हैं 1 सेंटीमीटर में, तो एक फ्रिंज के बीच में कितना गैप रहेगा, यानी फ्रिंज विड्थ 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, यहाँ पे मुझे फ्रिंज विड्थ पता चल गया 0.1 सेंटीमीटर, लॉजिकल है, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 बन रहे हैं तो दो फ्रिंज के बीच में गैप कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें लैम्बडा दिया हुआ है 6000 एमस्ट्रॉन्ग, एंड और क्या चीज़ें दी गई है, ये 10 सेंटीमीटर, बस इतना ही डेटा है। और आगे देखते हैं, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ वायर, अब ये क्या मतलब है भाई, डायमीटर का मतलब क्या होता है, यानी ये जो वायर आपने लगाया है ना ये सर्कुलर शेप में लगाया है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये है इसका डायमीटर। ठीक है, और ऐसे कुछ शेप में आपने इस वायर को एडजस्ट किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर इसे अल्फा लेंगे तो क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं 10 अल्फा की फॉर्मूला अप्लाई करूं, और इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि फ्रिंज जो विड्थ होता है यानी बीटा, इसकी फॉर्मूला होती है लैम्बडा, एक मिनट देखिए, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2μ अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा अपॉन 2μ बीटा, बीटा हमें पता है, लैम्बडा हमें पता है, और दिया गया है यहाँ पर कि बीच में एयर होगा। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि दो ग्लास प्लेट है, दोनों को वायर से सेपरेट किया तो बीच में एयर ही होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे म्यू वन होगा, तो सिंपली हमें मिलेगा लैम्बडा अपॉन 2 बीटा। देखिए बीटा का वैल्यू हमें पता है, लैम्बडा भी पता है, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखेंगे 6000 × 10^-10 मीटर, और इसे लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10^-2 मीटर, तो ये पूरा हो जाएगा 10^-3 मीटर। ठीक है, सो ये दोनों को मीटर में यहाँ पर हम पुट करेंगे, देन यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 3 × 10^-4 रेडियन, याद रखिएगा आंसर रेडियन में आता है। ठीक है, सो एक बार आपको आंसर रेडियन में मिल गया, ये आंसर किसका मिला, अल्फा का, हमें निकालना क्या है, ये जो डायमीटर डी है, तो ये डायमीटर डी कैसे निकलेगा, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाएगा, हाँ 10 अल्फा की फॉर्मूला से, सो 10 अल्फा होगा अपोजिट साइड डी अपॉन दिस 10 सेंटीमीटर, इसे हम लिख सकते हैं 10 × 10^-2 मीटर। सो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अल्फा बहुत ही स्मॉल है, सो 10 अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा, तो यहाँ पे आप सीधा अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये इस लॉजिक को याद रखिएगा, जब अल्फा बहुत स्मॉल हो तो 10 अल्फा को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 3 × 10^-4 इज इक्वल टू डी अपॉन 10 × 10^-2 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे आपको डी का फाइनल आंसर मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर। ठीक है, करके देखिए कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 10 × 10^-2 कितना होगा, 10 × 10^-2 होगा 10^-1,
मीटर, जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 10⁻⁶ मीटर, ये आंसर हो गया डी का। 10⁻⁵ को एडजस्ट करेंगे यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.03 × 10⁻³ मीटर। 10⁻³ मीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर, तो आंसर आएगा 0.03 मिलीमीटर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था सिंपल सा कैलकुलेशन का पार्ट, पर सबसे मेन पार्ट यहाँ पर ये था कि इस लाइन को आइडेंटिफाई करना और इस शेप में यहाँ पर ये जो वायर है इसे पता करना। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो इसके साथ सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं इस चैप्टर से। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस ऑन सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू सो मच।